हेलो, दिस इज कमल रामनानी और आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करने से पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो मूव करे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह एक फ्लूड के थ्रू बॉडी के इनसाइड। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज अ सिस्टम दैट मूव्स मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू फ्लूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा मटेरियल है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मूव होता है। वो मटेरियल हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो मटेरियल हमारे पास फूड भी हो सकता है, वो मटेरियल हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। उन सबको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाना एक सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उस करेक्टरिस्टिक का मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो है सीसीटीवी। सीसीटीवी जैसे कैमरा होती है हमारे पास, ऐसा एक निमोनिक बनाया है। इसकी करेक्टरिस्टिक चार हैं जिसका निमोनिक है सीसीटीवी। सी से वॉट इज फ्रॉम सी? फ्रॉम सी इट इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड। एक तो हमारे पास इस सर्कुलेटरी सिस्टम कि एक करेक्टरिस्टिक ये है कि इसके पास सर्कुलेटरी फ्लूड होना चाहिए। सर्कुलेटरी क्या? सर्कुलेटरी मतलब जो मूव हो सके, फ्लूड मीन्स जो फ्लो कर सके। द फ्लूड इज एक्चुअली द वन विच कैन फ्लो, और वो हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास जनरली ब्लड होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है। दूसरे चीज है हमारे पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल डिवाइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक कॉन्ट्रेक्टाइल डिवाइस होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जो जो हमारे पास सिकुड़ सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, इस तरीके की कोई डिवाइस होनी चाहिए। वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होने वाली डिवाइस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी है? वो है हमारे पास दी हार्ट। और टी से हमारे पास कुछ ऐसी ट्यूब्स होनी चाहिए, ऐसी नालियाँ होनी चाहिए जिसके थ्रू ब्लड मूव कर सके पूरी बॉडी में, तो वो है ब्लड वेसल्स। और आखिर वी से हमारे पास क्या आता है? वी से हमारे पास आता है वॉल्व। वॉल्व होने चाहिए। वो वॉल्व, वॉल्व का क्या मतलब है? वॉल्व का मकसद होता है कि डायरेक्ट वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना ब्लड को। वॉल्व किस टाइप के होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ब्लड वेसल है, तो जो है वो मेरे पास, ये मेरे पास एक वॉल्व हो गया। ब्लड जैसे यहाँ से आएगा तो सीधा मूव करेगा, पर यहाँ से आने वाला ब्लड, जो इस डायरेक्शन में आने वाला ब्लड है, वो इस वॉल्व की वजह से नहीं कर पाएगा। इस वॉल्व की कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ से वॉल्व आ जाएगा बट कंटिन्यूसली, पर जब वहाँ से आना शुरू हो जाएगा तो इट कैन नॉट क्रॉस ड्यू टू दिस वॉल्व, इस पे प्रेशर लगाएगी। तो वॉल्व होता है वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की डिवीजन पे या क्लासिफिकेशन पे। दो टाइप्स में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लासिफाई किया है, एक के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ऐसा नाम क्यों देते हैं? इस वजह से हम इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि ब्लड ब्लड वेसल से बाहर आता है, ओपन हो जाता है टू द बॉडी। क्या होता है इसके अंदर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड 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 वेसल से बाहर आता है, जिस वजह से हम इसको ओपन कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, जिस वजह से इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जो आते हैं, जो जो इसके पार्ट हैं इस क्लासिफिकेशन के, उनका एक मैंने निमोनिक बनाया है एटीएम। एटीएम से क्या मुराद है हमारे पास? ए से अर्थ्रोपोडा, टी से ट्यूनिकेट्स, एम से मॉलस्कस। ये तीन हमारे पास आते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार बनाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे पास हार्ट होता है वो थोड़ा लेस मस्क्यूलर होता है, और जो ब्लड वेसल होते हैं वो थोड़ी वाइड होती हैं। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो हार्ट से ब्लड वेसल आए और वो एक ओपन सीलोम बॉडी की कैविटी में आके ऐसे फिल पोर हो जाएंगे। आके ब्लड आया, यहाँ से आकर इस ओपन कैविटी में आ गया और यहाँ से फिर चलते दूसरी ब्लड वेसल के थ्रू वापस चला गया। अब ये जो फ्लूड आया है, ये जो हमारे पास ओपन कैविटी में फ्लूड आया है, इस ओपन कैविटी को मैं कहता हूँ साइनस।
इस ओपन कैविटी को, जो इस बॉडी को मैं कहता हूँ साइनस, और ऐसी कलेक्शन ऑफ साइनस, मतलब पूरी कलेक्शन ऑफ बॉडी में जो साइनस है उसको मैं कहता हूँ हीमोसील। हीमो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर फ्लूड आ रहा है ब्लड का, और जो है वो सील इस वजह से क्योंकि ये बॉडी कैविटी से, तो हीमोसील, इसकी सील हम बॉडी कैविटी को कहते हैं, सीलोम जिससे वर्ड से ड्राइव किया हुआ है। तो साइनस, इस ओपन कैविटी जिसमें ब्लड आता है उसको मैं साइनस कहता हूँ, और उसकी कलेक्शन को मैं क्या कहता हूँ, हीमोसील। और जो हमारे पास वैसे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर जो है वो ब्लड होता है और बाहर जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड होता है। बाहर हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड होता है, ठीक है, जिसको मैं इंटरस्टिशियल फ्लूड भी कहता हूँ। ये अंदर वेसल में जो फ्लूड होता है उसको ब्लड कहते हैं, और वेसल के बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड उसको मैं क्या कहता हूँ, इंटरस्टिशियल फ्लूड भी कहता हूँ। यहाँ पर ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड भी आया है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूड भी है, तो ये दोनों यहाँ पर मिक्स हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लड और जो इंटरस्टिशियल फ्लूड दोनों मिक्स हैं, तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या, ऐसे फ्लूड को मैं क्या कहता हूँ, ऐसे फ्लूड को मैं कहता हूँ हीमोलिम्फ। ऐसे फ्लूड को मैं क्या कहता हूँ, हीमोलिम्फ। और जो इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खास बात है वो ये है, इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खास बात ये है कि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो इज नेवर हाई, ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता। क्यों? इसकी दो वजूहत है। एक तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो इतना मस्कुलर नहीं होता जो इतना तेज़ी से करे कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर रेज हो चुके, नहीं। और उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि एक रीज़न तो ये है कि हार्ट मस्कुलर नहीं है, इस वजह से इतना कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़े। वॉट इज़ ब्लड प्रेशर? द फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द ब्लड वेसल, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो हार्ट है वो इतना ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं है क्योंकि लेस मस्कुलर होता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। दूसरा, इसकी जो ब्लड की वेसल्स हैं वो लार्ज होती हैं, थोड़ी डायमीटर उनका हाई होता है, जिस वजह से फोर्स इतना ज़्यादा लगता ही नहीं है ब्लड ब्लड का ब्लड वेसल्स के ऊपर के ब्लड प्रेशर बढ़ सके। दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया, उनके अंदर जो रेस्पायरेशन होती है वो ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होती है, और ये ट्रेकियल सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है कि ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इस ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसको हमने चैप्टर 13 में डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर होती है, इस वजह से इस हीमोलिम्फ के अंदर, इंसेक्ट के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता। हेमोग्लोबिन क्यों नहीं होता? क्योंकि हेमोग्लोबिन वो है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू पास हो रही है, तो हेमोग्लोबिन का काम नहीं है। जब हेमोग्लोबिन का काम नहीं है तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, और हेमोग्लोबिन की ना होने की वजह से इनका ब्लड कलरलेस होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही वो चीज़ है जो ब्लड को रेड कलर देती है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एटीएम सबसे पहले हमारे पास जो उसके अर्थ्रोपोटूनिकेट्स और मॉल्यूकस, और उसके बाद हमारे पास बॉडी कैविटी जिसमें हीमोलिम्फ आ रहा है वो साइनस, जिसकी कलेक्शन हीमोसिल, हीमोलिम्फ, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, और इंसेक्ट में जो ट्रेकियल सिस्टम है वो ऑक्सीजन डिलीवर करती है जिसकी वजह से इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से इनका ब्लड जो है वो कलर। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का भी मैंने एक निमोनिक बनाया, केव। केव से सी से हमारे पास सेफलोपोड, ए से हमारे पास एनिलिड्स, वी से वर्टिब्रेट्स, और ई से इकाइनोडर्म्स। यहाँ पे हमारे पास हार्ट जो है वो वेल मस्कुलर होता है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई आ सकता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ब्लड वेसल से ब्लड बाहर नहीं आता। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लड आया हमारे पास, ब्लड आया आया, और यहाँ पे जो है वो किसमें, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर्टरी है, ये आर्टरी हमारे पास किसमें, कैपलरीज में डिवाइड हो जाती है, ये आर्टरी हमारे पास कैपलरीज में डिवाइड हो जाती है, और इस कैपलरीज के थ्रू, इन कैपलरीज की इस वॉल के थ्रू, इस कैपलरीज की वॉल के थ्रू जो हमारे पास मटेरियल है वो यहाँ से बाहर जाता है एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू में। इस एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू को मैं क्या कहता हूँ, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू को मैं इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कहता हूँ, इंटरस्टिशियम भी कहता हूँ, इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कहता हूँ। वहाँ पे ब्लड जाता है, और इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेल होते हैं, और उन सेल में हमारे पास जो है वो ब्लड जाता है।
तो ये हमारे पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफेक्ट है कि इसको इस मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन को हमारे पास ऑक्सीजन को फूड को और जो है वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से आने में इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। ये हमारे पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो एक समरी थी, जिसमें जो हमारे पास हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस वजह से वो इफ़िशेंटली काम भी ज़्यादा कर सकते हैं। बुक में मशहूर एक कॉकरोच और अर्थवॉर्म का एक जो है हमारे पास चार्ट दिया गया है, जिससे एंट्री टेस्ट में सवाल भी आते हैं। तो आए इसको देखते हैं। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अर्थवॉर्म में जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हम देख चुके हैं कि ओपन जो है एटीएम में होता है तो एनिलिड्स कॉकरोच, और जो है हमारे पास अर्थवॉर्म वगैरह में अर्थ्रोपोडा हमारे पास कॉकरोच और एनिलिड्स अर्थवॉर्म वगैरह में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सर्कुलेशन जो है वो ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड फिल साइनस हीमोसील के थ्रू होता है। हीमोसील जो है वो कलेक्शन ऑफ साइनस है। और अर्थवॉर्म में हमारे पास जो सर्कुलेशन होती है वो कैसे होती है, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में होती है। कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड जो है वो डायरेक्टली होता है सराउंडिंग टिश्यूज से, यहाँ पे हमारे पास कैपलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। बॉडी कैविटी जो है इनके पास रिड्यूस्ड होती है, इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं कर सकते, लार्ज बॉडी कैविटी होती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको मैं एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू भी कहता हूँ, एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड भी कहता हूँ, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन्स के एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू में ये वेसल है, उसके बाहर जो फ्लूइड होता है उसको मैं एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहता हूँ। उस ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई डिफरेंस नहीं होता, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ कोर्स अलग होता है, यहाँ पे बहुत पुअरली कंट्रोल्ड होती है सर्कुलेशन, लेस मस्कुलर हार्ट होता है, साइनस के अंदर जाता है, यहाँ पे प्रॉपरली माइक्रो सर्कुलेशन के थ्रू प्रॉपरली कंट्रोल्ड होती है। वेसल जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेसल हमारे पास जो कॉकरोच में एक सिंगल वेसल रन करती है, एक ही वेसल रन करती है पोस्ट फ्रॉम हेड टू पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर हम कहते हैं बिहाइंड को, एंटीरियर कहते हैं आगे को। तो इसकी मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगा जो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास, ये जो अगर हम इसको पहले यहाँ पे कंपेयर करें कि यहाँ पे हमारे पास एक ही ब्लड वेसल रन करती है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो है वन डोर्सल वेसल रन अबाउ द एलिमेंट्री कैनाल एंड वन वेंट्रल वेसल। डोर्सल हमारे पास मीन्स पीछे, वेंट्रल हमारे पास मीन्स आगे। एलिमेंट्री कैनाल के ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, एक वेसल एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और दूसरी एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। फ्लो ऑफ सर्कुलेशन जो है वो कॉकरोच में फॉरवर्ड ही होता है, और जो है यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होती है उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, और यहाँ से फिर जो ब्लड वापस आ रहा होता है उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास हार्ट जो है वो 13 चैम्बर्स का, मतलब जो एओर्टा है, वो जो एओर्टा है बैक ऑफ कॉकरोच पे, उस एओर्टा जो है वो ऐसे मॉडिफाइड हो जाती है। हार्ट को हम मॉडिफाइड ब्लड वेसल भी कहते हैं। हार्ट को हम मॉडिफाइड ब्लड वेसल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब हार्ट बन रहा होता है तो वो बनता है जब दो ब्लड वेसल आपस में मिलके ऐसे फोल्ड हो जाती है, तो तब हमारे पास हार्ट बनता है, तो इस वजह से उसको मॉडिफाइड वेसल बनती है। यहाँ पे क्या आता है कि एओर्टा मॉडिफाई होके 13 चैम्बर छोटे छोटे बना देती है तो वो हार्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल जो वेसल हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के आगे और पीछे हैं, ये जो 7th, 9th, 12th और 13th सेगमेंट पे होती हैं वो मॉडिफाई होके क्या बना लेती हैं, हार्ट बना लेती हैं। और जो है हमारे पास जो वेन्स हैं, कैपलरीज एब्सेंट होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ब्लड कलरलेस होता है ऑफ कोर्स क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता कॉकरोच में, और यहाँ पे रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रेकियल सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई कर देती है, हीमोग्लोबिन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नो गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, बाकी सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, एक बार मैं इसको अगर इस डायग्राम के थ्रू समझा सकूँ कि अगर आप लोगों को दिख रहा है कि ये देखें, एक ही हमारे पास डॉर्सल वेसल है जिसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और एक हमारे पास ये एलिमेंट्री कैनाल के नीचे जो है वेंट्रल वेसल है जिसकी डायरेक्शन बिहाइंड है, ठीक है। और जो हमारे पास कॉकरोच में है वो एक ही वेसल है जिसकी एक ही डायरेक्शन है फॉरवर्ड, एक ही डायरेक्शन है फॉरवर्ड, और यहाँ से फिर लेटरल वेसल्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। जो पोस्टीरियर एंड है इसका, पोस्टीरियर एंड मॉडिफाइड होके 13 चैम्बर्स बना लेता है, और वो 13 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं।